वेलकम टू चैम्बर ऑफ ग्रेजुएट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ओके, सो इस एक्सरसाइज के खाली मैं सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स कराऊंगा। अगर इन प्रॉब्लम्स के अलावा आपको कोई दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट डिस्कस करूँगा, देन क्वेश्चन नंबर एट्थ एंड देन क्वेश्चन नंबर नाइन का सिक्स्थ पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर टेन, देन क्वेश्चन नंबर अलेवन का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो ये मैंने सेलेक्ट किए कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ टिपिकल होंगे। ओके, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप विदाउट हेजिटेशन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सो हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, ओके, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, सो मैं क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे पार्ट फोर्थ इसका डिस्कस करूँगा। सो पार्ट फोर्थ हमारा फंक्शन है x प्लस वन ओवर x माइनस वन। ओके, सो मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, क्या होता है फॉर्मूला, f प्राइम x दिस इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। ओके, सो आप वैल्यू पुट करिए एफ एक्स प्लस एच एंड एफ एक्स की एंड देन सॉल्व करिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है। लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो एफ एक्स प्लस क्या एच क्या हो जाएगा, इसमें एक्स की जगह आपको क्या पुट करना होगा, एक्स प्लस एच। ओके, सो इट विल बी एक्स प्लस एच प्लस वन ओवर एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन एंड होल टू डिनोमिनेटर एच। ओके, अब सिंपल न्यूमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। ओके, सो लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो, सो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, एक्स प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या आएगा, दिस फैक्टर एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, एंड पूरे के डिनोमिनेटर में आपको क्या आएगा, दिस एच। ओके, नाउ इन ब्रैकेट को अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन। ओके, नाउ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच इंटू एक्स प्लस वन एंड प्लस एक्स प्लस वन। ओके, एंड ये जो आपका है ये पार्ट, ये आपके इस डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। ओके, सो लिखते हैं h इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, सो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, कैंसिल आउट, देन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, देन दिस माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट। ओके, देन दिस माइनस वन प्लस वन। ओके, सिंपल आपके टर्म्स क्या बचते हैं वो लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टूवर्ड ज़ीरो एच एक्स माइनस वन माइनस एच एक्स प्लस वन एंड डिनोमिनेटर में एच एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, आप देख सकते हैं ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमिनेटर में एच कॉमन लेते हैं, सो लिमिट एच टेंड्स टूवर्ड ज़ीरो टेकिंग कॉमन एच वी हैव एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में एच एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, सो ये आपका एच एच कैंसिल आउट हो गया। ओके, एंड एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, लिमिट रखते हैं, सो ऑन पुटिंग लिमिट वी हैव माइनस वन माइनस वन दिस विल बी माइनस टू एंड डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ज़ीरो माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एंड दिस इक्वल्स टू माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एंड दिस इक्वल्स टू माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ओके,
यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया बाई फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. ओके सो इसमें नहीं मेंशन है, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है. सो सिंपल हम ऐसे जो फॉर्मूला हमें पता है उसको अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करते. ओके सो हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर एक्स माइनस ए एंड गिवन ए इज कॉन्स्टेंट. ओके सो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए आप डिवीजन वाले दो फंक्शन हैं, एक आपका न्यूमरेटर फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है. ओके सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन करना हो जो आपके फंक्शन डिवीजन फॉर्म में एफ ओवर जी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ओके सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं उसका एफ एक्स का. सो एफ प्राइम एक्स विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट मीन्स डी ओवर डी एक्स एंड न्यूमरेटर इज एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए एन. ओके इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज एक्स माइनस ए. ओके नाउ माइनस न्यूमरेटर एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ओके ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ओके सो सिंपल इसे डिफरेंशिएट करते हैं. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग वी हैव, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हमारा आएगा एन एक्स एन माइनस वन. ओके इंटू एक्स माइनस ए. ओके माइनस इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म टिल बी वन. ओके एंड नाउ डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ओके सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं. सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी हैव एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ओके सो एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, दिस विल बी एक्स रेज टू पावर एन. सो आपका हो जाएगा एन एक्स एन माइनस ए एन एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन प्लस ए एन ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ओके सो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके एक्स रेज टू पावर एन कॉमन लीजिए. सो ऑन टेकिंग कॉमन एक्स रेज टू पावर एन वी हैव एन माइनस वन माइनस ए एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए रेज टू पावर एन ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ओके सो यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन हो गया एफ एक्स का. ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सो इस क्वेश्चन नंबर 9 में मैं सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करूंगा. ओके सो सिक्स्थ पार्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू टू ओवर एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर थ्री एक्स माइनस वन. ओके सो डिफरेंशिएट करते हैं. एफ प्राइम एक्स दिस इक्वल्स टू डी डी एक्स टू ओवर एक्स प्लस वन माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर थ्री एक्स माइनस वन. ओके यहाँ भी आपका फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है. सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट मीन्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर. ओके नाउ माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. सो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर. ओके सो अब सिंप्लीफाई करते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ टू, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो. सो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो. सो ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वन ज़ीरो, दैट मीन्स हमें बचे क्या गया खाली ये टर्म माइनस टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म. ओके एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन माइनस वन इज सॉरी एक्स
एन इज एन एक्स एन माइनस वन, ओके। सो जब आपका वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन वन एन की जगह आपका वन हो जाएगा, दैट मीन्स वन इंटू एक्स रेज टू वन माइनस वन एंड दिस इक्वल्स टू एक्स रेज टू जीरो एंड दिस इक्वल्स टू वन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, ओके। सो इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा एंड कॉन्स्टेंट जीरो, दैट मीन्स सिंपल यहाँ पे आपका क्या आएगा वन, ओके। एंड नाउ डिनोमिनेटर आपका क्या है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज टू एक्स, ओके। यही फॉर्मूला अप्लाई करके, सेम फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन, ओके। सो इसकी हेल्प से आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, दिस विल बी थ्री, ओके, ओवर थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ओके। अब सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, आप ये ब्रैकेट खोलिए, दिस विल बी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ओके। अब सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंपल माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ओवर थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ओके। एंड इसमें आप देख सकते हैं एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ऑन टेकिंग कॉमन एक्स वी हैव थ्री एक्स माइनस टू एंड डिनोमिनेटर में थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन हो गया एफ एक्स का, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, ओके। सो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है कॉस एक्स का फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। सो आपको प्रोसीजर पता है, ओके। सो एफ एक्स इज कॉस एक्स एंड एफ प्राइम एक्स, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विल बी एफ प्राइम एक्स। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ओके। सो वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो, दिस विल बी कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स ओवर एच, ओके। नाउ लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का, ओके। आई होप सो आपको फॉर्मूला याद होगा, ओके। मैथमेटिक्स में यही है, आपको पुराने फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए, ओके। अगर आपको याद नहीं है तो हमेशा आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, ओके। सो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस विल टू साइन एक्स प्लस वाई, एक्स इज एक्स प्लस एच एंड वाई इज एक्स ओवर टू इंटू साइन वाई माइनस एक्स, वाई है आपका एक्स एंड एक्स इज एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, ओके। ये मैंने बार लगा दिया, सबसे छोटा ब्रैकेट, ओके, ओवर टू एंड डिनोमिनेटर में आपका एच, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो टू साइन एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच ओवर टू इंटू साइन एक्स माइनस एक्स, ये मैंने बाहर हटा रहा हूँ, तो माइनस साइन आएगा माइनस एक्स माइनस एच ओवर टू एंड होल टू डिनोमिनेटर एच, ओके। सो दिस एक्स विल कैंसिल आउट, ओके। सो राइटिंग द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, लिमिट एच टेंस टू अ जीरो टू साइन टू एक्स प्लस एच ओवर टू साइन माइनस एच ओवर टू ओवर डिनोमिनेटर, ओके। सो आपको पता है साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो ये मैं माइनस साइन आगे लिख देता हूँ, ओके। सो लिमिट एच टेंस टू अ जीरो, ये माइनस साइन मैं आगे लिखता हूँ, माइनस साइन एच बाई टू, ओके। नाउ दिस टर्म टू साइन टू एक्स प्लस एच ओवर टू एंड डिनोमिनेटर में दिस एच, ओके। सो मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ टू मेमोराइज यू, लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड जीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स इक्वल्स टू वन, ओके। सो यहाँ पे क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, यहाँ पे एच बाय टू है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपका बाय टू नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, टू का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ओके। नाउ
अभी आप फॉर्मूला वाला अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स इस पार्ट की लिमिट क्या हो जाएगी, 1। ओके सो रखते हैं अप्लाइंग लिमिट 2 sin 2x + 0 ओवर 2 एंड डिनोमिनेटर में 2। ओके सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 विल कैंसिल आउट एंड दिस इक्वल्स टू -sin x। ओके दैट मीन्स आपका डिफरेंशिएशन क्या आया, -sin x, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके इस क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट करूँगा, बाकी सारे पार्ट आपके फॉर्मूले से हो जाएंगे और मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ओके सो फर्स्ट पार्ट है हमारा fx = sin x * cos x। ओके सो इसमें मैं प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सो मैं फिर से फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा देता हूँ, इफ़ fx इज g * h प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ओके देन f' x इज वॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके यह फॉर्मूला याद रखिएगा, यही फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, ये g है आपका और ये आपका h है। ओके सो f' x दिस इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x * cos x प्लस sin x * cos x इज अभी आपने निकाला है -sin x। ओके सो दिस इज -sin x। ओके सो ये आपका क्या हो जाएगा, cos x * cos x cos² x sin x * sin x -sin² x। ओके क्योंकि यहाँ पे -sin है। ओके एंड आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का, आप इसे cos 2x भी लिख सकते हैं। ओके ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन हो गया। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके सो इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट वीडियो सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।